नमस्कार दोस्तों, भारतीय किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ कीट और इल्लियाँ रिचका और बरसिम की पत्तियों के अंदर खाकर उन्हें छेद कर देती हैं और उन्हें बिल्कुल ख़राब कर देती हैं। आप खुद देखो कि ये कितना ख़राब कर दिया है इस रिचका और बरसिम की फसल को दोस्तों इल्लियों ने। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिचका और बरसिम की फसल में ऐसे जैविक और कम हानिकारक रासायनिक कीटनाशकों के बारे में बात करेंगे जो पशुओं के लिए बहुत ही कम हानिकारक या बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होंगे और हमारी इल्लियां भी मर जाएगी। दोस्तों, कई सारे कीटनाशक तो ऐसे आते हैं जो काफ़ी बुरा प्रभाव डालते हैं पशुओं पर और उन चारों को खिलाने पर पशुओं पर काफ़ी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो हम रासायनिक कीटनाशकों के बारे में बात करेंगे वो बहुत ही कम हानिकारक और पर्यावरण के प्रति बिल्कुल सुरक्षित कीटनाशकों के बारे में बात करेंगे और जैविक कीटनाशकों के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, रिचका और बरसिम की इल्लियों और कीटों के लिए पहला कीटनाशक है वो है एजाडीरेक्टिन 1500 ppm, जिसे 75 ml प्रति 15 लीटर वाले पंप के हिसाब से प्रयोग करना है। दोस्तों, ये बिल्कुल जैविक कीटनाशक है दोस्तों और इसका आप इस पर स्प्रे कर सकते हो जिससे सभी प्रकार की इल्लियां और रस चूसक कीट दोनों खत्म हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यदि इल्लियों का अटैक बहुत ही ज़्यादा है, बिल्कुल इल्लियों ने फसल को खा दिया है और हमें बहुत ही जल्दी हमको रिजल्ट चाहिए, तो हमको कम से कम हानिकारक रासायनिक कीटनाशकों का हम स्प्रे करेंगे। जिन रासायनिक कीटनाशकों का हम स्प्रे करेंगे दोस्तों, उन पर ग्रीन टैग होगा, यानी है तो वो रासायनिक ही लेकिन वो बिल्कुल जैविक कीटनाशकों की तरह ही काम करेंगे। दोस्तों, इस लिस्ट में अपना पहला कीटनाशक है कोराजन, जिस पर दोस्तों ग्रीन टैग होता है, जो फसलों पर और पर्यावरण पर और पशु पक्षियों पर बहुत ही कम हानिकारक या न के बराबर हानिकारक प्रभाव डालता है। इसे 6 ml प्रति 15 लीटर वाले पंप के हिसाब से भरकर दोस्तों स्प्रे कर सकते हो। वही दोस्तों, इस लिस्ट में अपना दूसरा कीटनाशक है डेलीगेट, जिसे आप 18 ml प्रति पंप के हिसाब से स्प्रे कर सकते हो। दोस्तों, ये जो मैंने लास्ट में दोनों कीटनाशक बताए हैं वो बहुत ही प्रभावी कीटनाशक हैं, जो भी इल्लियां पत्तियों को खा रही हैं उनको तुरंत ही नष्ट कर देगी। दोस्तों, अगर आपको पत्तियों में फफूंद दिखाई दे रहे हैं, यानी फफूंद के पीले धब्बे, काले धब्बे या रस्ट नुमा धब्बे दिखाई दे रहे हैं या पत्तियां आपको काली पीली नज़र आ रही हैं, तो आप प्रति लीटर पानी के अंदर 2 ग्राम के हिसाब से या प्रति 15 लीटर वाले पंप के अंदर आप 30 ग्राम के हिसाब से कार्बेंडाजिम मेनकोजेब, जो कि कार्बेंडाजिम 12% प्लस मेनकोजेब 63% के नाम से आता है, इसे आप मिला सकते हो दोस्तों। वही दोस्तों, अच्छी ग्रोथ के लिए आपको एनपीके 19:19 6 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से या 90 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से इसी के साथ में मिला लेना है, ताकि अच्छी ग्रोथ भी हो सके। तो दोस्तों, अपना जो स्प्रे बन जाएगा वो है इल्ली की दवा प्लस कार्बेंडाजिम मेनकोजेब नामक फफूंदनाशक प्लस दोस्तों एनपीके 19:19:19। दोस्तों, आपको एक सावधानी रखनी है, हालांकि ये रासायनिक कीटनाशक भी बहुत ही सुरक्षित कीटनाशक हैं, पशुओं पर कोई भी प्रभाव नहीं डालेंगे और एक जो एजाडीरेक्टिन है वो तो बिल्कुल ही जैविक कीटनाशक है, फिर भी अपने को क्या करना है कि 4-5 दिन तक पशुओं को चारा नहीं खिलाना है, ताकि और भी ज़्यादा सुरक्षित काम अपना हो जाए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और भारतीय किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।